अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह दोस्तों, ज़ियारत करें तवाफ़ काबा की। तवाफ़ काबा जा रही है, सुभान अल्लाह, हरम शरीफ में बहुत रौनक है। माशाल्लाह दोस्तों ज़ियारत करें। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत से जगह दिखाऊंगा। ये देखो, ये पूरा माताफ, पूरा माताफ का फ्लोर है। ये माताफ के लास्ट छत पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ काम हो रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं काम का जगह भी दिखाता हूँ, यहाँ अभी कौन सा काम हुआ है। मैंने बहुत दिनों से मैं बोल रहा था आप लोगों को कि मैं ऊपर का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऊपर से मुझे मौका नहीं मिल रहा था, तो आज मौका मिला इंशाल्लाह। आज आप लोगों को मैं ज़ियारत करवाऊंगा ऊपर छत का। यहाँ पे अभी मार्बल का काम हो गया, इंशाल्लाह कल से ये जगह भी खुलेगा। इधर भी फिर हाजी आएगा, तवाफ़ करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो पहले आए हुए उन लोगों ने यह जगह देखा तो उनको पता होगा कि ये काम नया हुआ है। वैसे साफ ज़ाहिर पता चलता है कि ये काम नया हुआ है। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये रौनक आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत रौनक है हरम शरीफ में आज। तवाफ़ का बाजार ये मैं बिल्कुल सामने ही काबे के गेट के सामने ही ऊपर खड़ा हूँ छत पे। माशाल्लाह दोस्तों ज़ियारत करें। दोस्तों काबे के छत के ऊपर ये मार्बल देखो, ये भी हम लोगों ने चेंज किया है 2019 में, 4 साल हो गए। यहाँ ये नौकर पे, ये सबर में थोड़ा जूम करवा तो, यहाँ ये नौकर पे एक छोटा सा खाना आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ ऊपर नमाज पढ़ के फिर यहाँ ऊपर काम करके 2 घंटे सबको टाइम दिया जाता था कि ताकि सबको सवाब मिल जाए। फिर नीचे वो काबे के अंदर में जाता था, नफल पढ़ के फिर निकल जाता था काबे के गेट के सामने। इधर अंदर एक पत्थर है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात पढ़ाता था, नमाज पढ़ता था वो। तो उधर एक सफ़ेद पत्थर लगाया हुआ है, वहाँ पर लोग अभी नफल पढ़ते या कोई बादशाह वगैरह जाए, जिसको भी यह दरवाज़ा खुल जाए वो यहाँ पर नफल पड़ता है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, कुछ पुराने बर्तन वगैरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। अच्छा दोस्तों अभी ये देखो, ये यहाँ पे अभी काम हो गया, ये अभी भी काम जारी है। देखो लोग काम कर रहे हैं, काम अभी भी जारी है। वो देखो दोस्तों, ये मक्का क्लॉक टावर है, मक्का क्लॉक रॉयल टावर बोलते हैं। इधर से थोड़े साफ दिखाई देते हैं, नीचे से जब मैं इसका वीडियो बनाता था तो नीचे ये क्रेन वगैरह इसमें आते थे ऊपर। तो ये देखो, ये पूरा छत है, लास्ट छत है माताफ का, ये पूरा मस्जिदुल हराम है। ये देखो, ये मीनार पे भी काम जारी है, ये मीनार अभी बन रहे है, इस पे फिर मार्बल भी लगेगा। ये क्रेन थे जो मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखाए थे आप लोगों को कि ये वो क्रेन है जिसके ज़रिए माल ऊपर लेके आता है। और दोस्तों ये मार्बल अभी, ये सारा जितना मार्बल इधर लगा हुआ है ये सारा नया लग गया, पुराना मार्बल पहले यहाँ पे सिर्फ लांटर किया था और कुछ नहीं था, खरसाने का काम किया था सिर्फ। ये सामने 2 मीनार है, ये अब्दुल अजीज गेट के मीनार है, वो सामने जो है ये बाबुल उमरा गेट के मीनार है, और ये फतेह गेट के मीनार है। ये तीनों गेटों पे काम जारी है और मीनारों पे भी काम जारी है। नीचे से भी मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगा, नीचे वाली साइड से हम लोगों ने मार्बल लगाया हुआ है इस पर। तो ऊपर ये मीनारों पर भी कुछ काम किया हुआ है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये सारा काम अभी ये भी जा रहे हैं, ये मार्बल का काम जितना इधर हरम शरीफ में जितना भी मार्बल का काम होता है ये सब हम करते हैं, हम लगाते हैं मार्बल। ये देखो, ये अभी मार्बल लग रहे हैं ये सेड़ों में,
ये शेड़ो में देखो थोड़ी थोड़ी जगह पे मार्बल है, थोड़ी थोड़ी जगह पे नहीं है, ये सब हम लगा रहे। दोस्तों ये देखो ये सारे हमारे कंपनी के आदमी है, ये मार्बल लगा रहे। बस ये थोड़ी सी जगह रह गई, बाकी सारा जगह इन लोगों ने बंद कर दिया। बाकी ये देखो सारा मार्बल लग गया। ये 10वें महीने में स्टार्ट किया था, अभी तीसरा 5 महीनों में ये पूरा छत, बहुत बड़ा जगह है, 5 महीने में पूरा किया। बस ये थोड़ा सा जगह रह गया, बाकी सारा हो गया, लग गया सारा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यारत करें हरम शरीफ में, काम देखें काम कैसा होता है, मेरा सिर्फ यही मकसद है। बाकी मुझे ये YouTube चलाना, ये इनका इतना इलम नहीं है मुझे, बस सिर्फ आप लोगों को ज़्यारत करवाने के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। बाकी कसम खाता हूँ मुझे YouTube के बारे में इतना इलम नहीं है। माशाल्लाह दोस्त को ज़्यारत करें। एक बार फिर मैं काबे के पास में आया, ये सामने हजरे अस्वद है, ये लोग देखो हजरे अस्वद पे सारे लड़ रहे, हर कोई चाहते कि मैं हजरे अस्वद को चूम लूं। माशाल्लाह दोस्तों ज़्यारत करें तवाफ़े काबा की, बहुत खूबसूरत मंजर है। दोस्तों 26 तारीख को, 26 मार्च को इंशाल्लाह मेरा यहाँ 4 साल पूरा हो जाएगा। और हमारा कंपनी सिर्फ ये नहीं कि यहाँ सिर्फ काम करते, हम और शेडो भी काम करते, जद्दा, रियाज, तबूक, बहरा, ये इन जगहों पे भी हमारे लोग काम करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से आया हूँ मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ ही काम करता हूँ हरम शरीफ में, जब से आया हूँ यहाँ माताब में काम करता हूँ। जैसे पहले दिन आ गया, लोगों ने बोला था कि काबे के सामने खड़ा हो के जो भी दुआ, पहली दफ़ा जब काबे को देखोगे तो जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह पाक कबूल करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही दुआ मांगा था कि अल्लाह मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कहीं मत करना, मुझे मेरा जितना भी रिज़क इधर है, जितना भी काम है मेरा इधर, तो मुझे यहाँ ही रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, 2 दफ़ा ट्रांसफ़र में मेरा नाम भी आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ दफ्तर से। फिर इधर से फोरमैन ने मेरा नाम दिया हुआ था, लेकिन दफ्तर से मेरा नाम नहीं आया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद, मेरे साथ 8 आदमी काम करते, पहले मैं लेबर में आया था, अभी मेरे साथ 8 आदमी काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मताफ में जितना भी मार्बल लगते पूरे मताफ में, ये सारा मैं इधर पहुंचाता हूँ, कुछ क्रेन के ज़रिए ऊपर छतों पे जो आते हैं वो क्रेनों के ज़रिए पहुंचाता हूँ, और जो नीचे वो उस दिन मैंने आप लोगों को वीडियो में गाड़ी दिखाई थी, जिसने नहीं देखा होगा, नया हो वो पिछले वाला वीडियो देखेगा पता चल जाएगा उसको, तो उसके ज़रिए फिर लेके आता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, नीचे भी उसी पे लेके जाता हूँ। जो ऊपर का माल होता है जिधर उसका रास्ता नहीं होता, तो फिर वो क्रेन के साथ लेके आते। ये सारे बहुत सारे क्रेने लगे हुए, ये देख सकते हैं आप, सब जगहों पे क्रेन मौजूद है, जिधर भी आप लोग देखे वो क्रेन नज़र आएगा। देखो दोस्तों अभी एक ग्रुप आया, ये देखो एक ग्रुप उमरे के लिए आया, इंडोनेशिया का ग्रुप है। तो सही है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर कुछ दिन बाद जब यहाँ जब लोग हाजी लोग आ जाएंगे, इंशाल्लाह यहाँ पे एक वीडियो में और बनाऊँगा
आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।